सरकार वालों पिंडां दीआं जल सप्लाई स्कीमां दे पंचायतीकरण दे फैसले खिलाफ विभाग विच ठेके ते काम कर रहे मुलाजमां वालों परिवार समेत रोपड़ BDPO दफ्तर अगे धरना दिंदे होए सरकार खिलाफ जम के भड़ास कढ़ी। धरने नूं संबोधित करदे वख-वख बुलारियां ने कहा कि एक पासे तां कांग्रेस सरकार घर घर रोजगार देण दे वादे करके सत्ता विच आई सी, परंतु रोजगार तां की देणा सी, जो लोकी रोजगार ते लगे होए हन उन्हां तों वी रोजगार खोया जा रहा है, जिस दी हुण साफ मिसाल देखी जा सकदी है, जिस नाल पंजाब भर च हजारां ठेका मुलाजमां दा रोजगार खत्म हो जाएगा। पंचायतीकरण का पहले वार्डमेंट तू नीति तैयार करते थे, अभी सख्त विरोध किया मंत्री साहब ने, पहले विरोध किया हूँ असी एक होर पॉलिसी लगी हुई सरपंच ने दबाव पा के लालच दे के यह स्कीम जो पंचायतीकरण करना असी बिल्कुल सूँ बर्दाश्त नहीं, तो पंचायतीकरण अभी हो नहीं देना जब तक इसी का सच्चाई रखा। की मंगा करते हो? साड़िया मंगा है 216 जो एक्ट है उन्होंने लिया के सू विभाग के रेगुलर किया जाए, तो जो स्कीम है ये विभाग खुद चलावे, ये पंचायतों की बस की गल नहीं है। ये तथ्य से ध्यान दस दे आनंदपुर ब्लॉक रोपड़ ब्लॉक के अंदर बहुत स्कीम जी पंचायतों दिखाई और मेरा चिट्टा हाथी है और जी स्कीम बेकार है, लोग पानी तो वांझे है, सरकार सहूलत देने भज रही है। सुनवाई ना हुई जी? ये साड़ी सुनवाई नहीं हुई, अभी वक् वक् जिले में भी जाके अपना धरना प्रोटेस्ट कर रहे, बाकी जो सूबा कमेटी अगला संघर्ष वो लिखेगी, मोर्चे की साड़ी रैली जी 13 अक्तूबर मैं मोती महल घरा भी कराई। रूपनगर तो सज्जन सिंह सैनी की विशेष रिपोर्ट, पहरेदार टीवी।